वक्फ एक्ट के वर्शिप एक्ट के जरिए प्रोटेक्टेड है, जो हेरिटेज एक्ट के जरिए प्रोटेक्टेड है, अगर उनको भी एनडीएमसी छेड़ने की कोशिश करेगा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, आपने एक बात और कही है कि पार्टी से उठ करके किसी भी उससे उठ करके सब एक साथ जो है वक्फ की प्रॉपर्टी को बिल्कुल इस देश में हेरिटेज एक्ट के जरिए जो प्रोटेक्टेड है वो किसी कम्युनिटी, किसी मजहब, इन सब चीजों से तो ऊपर है। और ऐसी प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए सियासत से अलग हट करके देश के हर जिम्मेदार आदमी को आगे आना पड़ेगा। और कम से कम मैं खड़ा हूँ, बाकी लोगों का भी आह्वान है कि एक लास्ट सवाल ये है कि सुनहरी बाग के लिए आप बचाने के लिए क्या आपका, देखिए 85,000 से ज्यादा रिस्पांस आए हैं एनडीएमसी को, और क्या जानना चाहती है एनडीएमसी। और अगर उन्हें ये लगता है कि यातायात में कोई दुश्वारी आ रही है तो एक बार फिर से फिजिकली उसको चेक करें, उसकी मैपिंग करें, आसपास ऐसी सूरत हाल है कि बिना उस राउंड अबाउट को कोई नुकसान पहुंचाए, उस हेरिटेज को कोई नुकसान पहुंचाए, आराम से ट्रैफिक कंट्रोल और ट्रैफिक को अच्छा बनाया जा सकता है। मैं फिजिकली डेली वहीं से पार्लियामेंट जाता हूं, मैं उस रास्ते से सुबह शाम में कई बार गुजरता हूं, मस्जिद ट्रैफिक में कहीं भी कोई बाधा नहीं है। सर, ये जैसे कि